में जनादेश भी हासिल कर ले, उस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे हैं प्रियांक खड़गे। वो प्रियांक खड़गे अभी अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दो महत्वपूर्ण दावेदार सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो कमोबेश स्थितियां साफ तौर पर है। कर्नाटक में 224 सीटें हैं, 224 सीटों में से 113 सीटें चाहिए स्पष्ट तौर पर जनादेश हासिल करने के लिए। वो 113 का जनादेश हासिल करना इतना आसान नहीं रहता है। लंबे समय से अगर कर्नाटक के संदर्भ में हम दृष्टि डालेंगे इतिहास पर, तो पिछले दिनों में 1999 के समय पर ऐसा मौका आया था जब स्पष्ट जनादेश मिला, तो उसके बाद एक बार मौका और आया। बाकी मौकों पर कुल मिलाकर जनता असमंजस में डाल देती है राजनीतिक दलों को और बाद में जोड़ तोड़ होती है। इस बार क्या कर्नाटक स्पष्ट तौर पर जनादेश दे पाएगा, ये जानने में हम सबकी दिलचस्पी है। हम सबकी दिलचस्पी इस बात को जानने में भी है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका गृह राज्य है कर्नाटक, तो क्या उस गृह राज्य में कांग्रेस स्पष्ट तौर पर जनादेश लेकर सत्तारूढ़ हो पाएगी? और अगर वो सत्तारूढ़ हो पाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? वो भारतीय जनता पार्टी 2024 को ध्यान में रखते हुए जो पूरी रणनीति बना रही है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसके शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी ने अपना सब कुछ मानो झोंक दिया इस कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में, तकरीबन 6 की करीब रोड शो, 19 की करीब रैलियां, ये बताती हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव को कितनी गंभीरता से लिया। नरेंद्र मोदी की इतनी कोशिशों के बाद भी रुझान बता रहे हैं कि भाजपा के लिए राह आसान नहीं है। भाजपा के लिए राह आसान तो 2018 में भी नहीं थी। 2018 में 224 सीटों में से 104 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री हासिल की थी। कांग्रेस मात्र 78 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन अचरज की बात यह थी कि वोटों के तौर पर अगर बात करें तो वोटों की शक्ल में ये देखने में अचंभा होता है कि कांग्रेस को तकरीबन 3% वोट ज्यादा मिले थे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, पर सीटें नहीं मिली थी। इस बार क्या कुछ गड़े थे ये जानने में दिलचस्पी है। लगातार हम सिलसिला बनाए हुए हैं, लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि कहां से क्या किस प्रकार की खबरें आ रही हैं। कुछ ताजा रुझान हमारे पास में अभी भी आए हुए हैं जिसके अंदर ये पता चल रहा है कि वरुणा सीट से कांग्रेस नेता सिद्धारमैया आगे चल रहे हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जिनका उल्लेख हम पहले कर रहे थे प्रियांक खड़गे, वो चित्तपुर सीट से पीछे चल रहे हैं। जेडीएस के नेता कुमार स्वामी जो मुख्यमंत्री भी रहे वो रामनगर की चन्नापाटन विधानसभा सीट पर पीछे चल रहे हैं। डीके शिवकुमार जो कानपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं आगे चल रहे हैं। एक सबसे चौंकाने वाली जो खबर आ रही है वो खबर आ रही है धारवाड़ सेंट्रल सीट से। जगदीश शेट्टार इस सीट पर पीछे चल रहे हैं, ये खबर हमारे पास में आ रही है। लगातार सिलसिला बना हुआ है। हमारे साथ रुझानों पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में योगेश यादव जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के और संयोजक हैं, कांग्रेस सेवा दल के मध्य प्रदेश के। साथ ही हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। पहली प्रतिक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी से ही लेते हैं। पाठक जी, भाजपा की राह मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल। कांग्रेस रुझान बता रहे हैं सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है, बना लेगी ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? हिमांशु जी, हमेशा की तरह मेरी पहली प्रतिक्रिया यह है कि मैं सुबह के 1-2 घंटे तक सीधी कोई बात कहने से बचता हूँ। आपके साथ भी पिछले अनेक अवसरों पर चुनाव परिणाम में हमने ये रुख अपना के रखा है। लेकिन फिर भी अभी जो ट्रेंड्स आप बता रहे हैं, जो रुझान बता रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब है और कांग्रेस के लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात। दो बातें हैं। कर्नाटक का चुनाव देश को यह जरूर बताएगा कि किस तरह की राजनीति अब भविष्य में इस देश में होगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की राजनीति, दूसरी तरफ कांग्रेस और खड़गे की कांग्रेस, राहुल गांधी की राजनीति। मेरे एक मित्र ने 3-4 दिन पहले एक डिबेट में मेरे साथ कहा था, कर्नाटक के ही पत्रकार थे, उन्होंने कहा था पहली बार ऐसा लगा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की शैली में चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी शैली में लड़ते हुए भी अपने पिछले तौर तरीकों को नहीं अपना पा रही, यद्यपि उसने सब कुछ झोंक दिया। जी आपने खुद गिनाया, प्रधानमंत्री की 19 सभाएं, 6 रैलियां,
और हिंदू मुसलमान का कोई अवसर उन्होंने नहीं छोड़ा। तो कर्नाटक की जनता इस बार ये संदेश दे सकती है, अगर जो रुझान आप बता रहे हैं आते हैं तो जी, कि कांग्रेस ने कई तरह के जोखिम लिए हैं। देखिए, हमारा आप जैसे पत्रकार भी ये मान रहे थे कि कांग्रेस को बजरंग दल वाला मुद्दा नहीं छेड़ना था जी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी जब वो जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी, रोजगार के, रोजी रोटी के मसलों पर। इसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री ने केरला फाइल से लेकर बजरंग दल जैसे उद्दंड एक संगठन को, बजरंग बली से हमारे आपके आराध्य से तुलना कर दी, इसके बावजूद अगर बीजेपी हारती है तो मैं समझता हूं एक टर्निंग पॉइंट होगा। फिर भी मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, 12:30-12 बजे अब तक हम देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि देश के लोगों को धीरे धीरे इस तरफ लौटना होगा। क्योंकि पाठक आप काफी अनुभवी पत्रकार हैं, इसलिए आप हड़बड़ाहट में नहीं है, भावनाओं को रोक पाने में थोड़े सिद्धहस्त हैं, और रुझान भी कमोबेश इसी प्रकार के हैं। जो रुझान बता रहे थे कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है, वो रुझान पलटते हुए दिख रहे हैं, भाजपा बढ़त बनाते हुए दिख रही है। पर महत्वपूर्ण जाते हैं हम मुद्दों के संदर्भ में। क्या कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में वो मुद्दे केंद्र में रहे जिनके आधार पर मतदान होना चाहिए था, या उन मुद्दों से इतर वो मुद्दों को ला दिया गया जो वस्तुतः किसी विधानसभा या लोकसभा चुनाव के अंदर मुद्दा नहीं होना चाहिए? इस पर कोई दृष्टि दीजिए ना। मैं आप तो शुरू में मैंने आपसे कहा जी कि ये चुनाव इस बात को जरूर रेखांकित करेगा कि असल में चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, देश के मुखिया ने एक राज्य में लड़कियों के, महिलाओं के पलायन को लेकर बनी हुई एक काल्पनिक फिल्म, जिसमें फिल्म निर्माता खुद कह रहा है काल्पनिक है, 32,000 का आंकड़ा 3 पर आ गया जी, उसका प्रचार भी वहां ले आए, सूडान भी ले आए, तब बजरंग बली को ले आए। तो मुझे नहीं लगता कि ये सचमुच राज्यों के मुद्दे होना चाहिए। जिस राज्य में चुनाव है वहां की समस्याएं, वहां की जरूरतें, उन पर बात होनी चाहिए। आप पूरे राज्य को हिंदू मुसलमान में बांटने वाले चुनाव में अगर ले जाएंगे, अगर देश के गृहमंत्री ये कहे कि अगर कांग्रेस आ गई तो दंगे होंगे, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये कहे कि अगर आपने नहीं चुना तो माननीय प्रधानमंत्री की कृपा से वंचित रह जाएंगे, ये चीजें मुझे नहीं लगता है, ये इतनी मटेरियल है। अब राजनीति ऐसी होना चाहिए जनता के असली मुद्दों पर, और कांग्रेस ने ये कोशिश की है, हमें नहीं मालूम जनता ने तो इस बात पर वोट दिया, लेकिन कांग्रेस ने ये जोखिम तो उठाया ही है। गैस सिलेंडर की बात कर रही है, की बात कर रही है, वो अमन चैन की बात कर रही है, भाईचारे की बात कर रही है। एक बात और अंतिम, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये एक अगले परिपूर्ण यात्रा के परिणामों को लेकर भी है जी। देखो, उस यात्रा के चलते में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जीत दिया, हार गई, फिर भी पूर्णकालिक अगर यात्रा समाप्त होने अगर चुनाव होने तो ये कर। तो कुल मिलाकर इस पे बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक, मेरे साथ में योगेश यादव जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। योगेश जी, आपके लिए मेरे पास अच्छी खबर नहीं है। अभी शुरुआती तौर पर रुझान आपके पक्ष में थे, ताजा तरीन आंकड़े जो स्क्रीन पर हैं वो भाजपा के संदर्भ में आ रहे हैं। जिस 115 के आंकड़े को शुरुआती 30 मिनट में आपने स्पर्श किया था, उसे अभी भाजपा ने स्पर्श किया है। कांग्रेस की बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, क्या देख रहे हैं आप इन रुझानों के उलटफेर को और इस कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को? देखिए, पहली बात तो मैं ये बात में आशंकित कि कांग्रेस की जो अपेक्षाएं हैं और इस देश की जो अपेक्षाएं हैं कि परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आना चाहिए, मुझे लग रहा है प्रारंभिक रुझानों से कांग्रेस शने शने आगे बढ़ती जा रही है। कोई संशय नहीं है, मुझे नहीं मालूम है कि आपके वहां क्या चल रहे हैं, लेकिन मैं जितने देख पा रहा हूँ समग्र रूप से यही सामने आ रहा है कि कांग्रेस की बढ़त है, और ये संभावित भी था और ये होना भी चाहिए। जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार पाठक साहब बता रहे कि हम लोगों ने उन मुद्दों पर बात ज्यादा देखा, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, कि जिन मुद्दों को एक काल्पनिक मुद्दे कहे जाएंगे, जो भ्रम पैदा करने वाले मुद्दे, जो राजनीति में भ्रम पैदा करते हैं, जो राजनीति के बुनियादी मुद्दे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उन भ्रम पर आधारित राजनीति करने। एक प्रधानमंत्री जी यदि एक फिल्म के बारे में बात करेंगे तो काल्पनिक है, उसको मुद्दा बनाकर यदि वो बात करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि राजनीति का हश्र क्या है, या राजनीति हो चुका है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर लोग बात करते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। आप फिल्म पर बातचीत कर रहे हैं, आप बजरंगबली पर बातचीत कर रहे हैं, आप उस भ्रम पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन पर मध्य प्रदेश, सॉरी कर्नाटक की जनता का
रुझान नहीं बनता है, पिछले भ्रष्टाचार के जितने मुद्दे थे उससे इतर उससे हटाने की कोशिश की जा रही है। मैं मानता हूं कि ये बात आप भी स्वीकार करेंगे कि सनातन धर्म परंपरा निभाने वाले आपके मेरे सभी के हमारे आराध्य देव बजरंगबली है और हनुमान भक्त हम सभी होते हैं, सभी पूजा पाठ करते हैं मंगलवार शनिवार को आप जानते हैं, और ये स्वयं स्फूर्त चेतना होती है, ये नैसर्गिक चेतना है, ये हमारी हमारे प्रभु के प्रति आराधना है। तो इसका राजनीतिकरण करके आप सड़क चौराहों पर लिया है तो जनता इन बातों को समझती है। और आप महंगाई पर बात ना करें, आप भ्रष्टाचार पर बात ना करें, और आप दो दो मुख्यमंत्री को परिवर्तित करें, आपकी सरकार ढंग से ढुलमुल सरकार ना चल पाए, तो मैं ज्यादा उत्साहित तो नहीं हूं लेकिन फिर भी आशान्वित हूं कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और मैं मानता हूं कि 2024 के पहले का ये शुभ संकेत है, और शुभ संकेत इस बात का कि भारत की राजनीति में भारत का नागरिक शांति प्रिय है, विकासशील है, भारत का नागरिक हमेशा प्रगतिमय रहा है और अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के प्रति चैतन्यवादी है, ये इस बात का प्रतीक बनेगा ये चुनाव। और आने वाले समय में आप देखेगा कर्नाटका के बाद नवंबर के इलेक्शन में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस स्पष्ट बहुमत लेकर आएगी। ये 2024 का कांग्रेस के लिए शुभ संकेत की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। बिल्कुल, आपको इस उम्मीद के साथ रहने चाहिए जिस पार्टी से आप ताल्लुक रख रहे हैं, लेकिन आपसे समझना तो दूसरा बात है। समझने की आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस के लिए कर्नाटक में मैदान काफी अनुकूल माना जा रहा था, पर आपने पूरी कोशिश की कि एक सरल मुकाबले को कठिन मुकाबले में तब्दील किया जाए। घोषणा पत्र लेकर आए, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में कमिटमेंट कर दिए, बाद में अपनी बात से पलटते रहे, लेकिन तीर तो कमान से छूट गया था। क्या आपको नहीं लगता है कि आप भाजपा के औजार बन जाते हैं ऐसे चुनावों में? भाजपा जिस अनुसार खेलना चाहती है आप उस अनुसार खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्या कहते हैं योगी जी? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। कांग्रेस को जिस तरीके से हम लोगों ने बुनियादी बातें की और राहुल जी की यात्रा के बाद जो कांग्रेस को प्रतिसाद मिला था कर्नाटका में, बीजेपी एक मैदान तैयार करती है और एक बास्केट का नेट वहां पर बनाती है और कोशिश करती कि उस बास्केट में हमारी नेट में हमारी बॉल चली जाए, ये कोशिश की है। और ये भ्रम को उन्होंने बहुत ज्यादा तरीके से पैदा किया, हर तरीके से, हर जगह संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से वहां पर पैदा किया। तो इन बातों के बाद भी एक बात छन कर आ रही है कि भारत का मतदाता बहुत जागरूक है, चैतन्य है, वो इस भ्रम में नहीं पड़ पाया। हम लोगों को लगा, हम लोगों ने बुनियादी बात की, भाई हम बजरंगबली हमारे आराध्य देव है, आज भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम लोग, सब पढ़ते हैं घर घर में, करोड़ों कांग्रेस के लोगों को मैं जन को बता दूंगा जिनके वहां मंदिर स्थापित है और जो नियमित रूप से पूजा करते हैं, लेकिन बजरंगबली का नाम लेकर ये कह देना कि हम बजरंगबली का ही विरोध कर रहे हैं, अरे आपने ब्रांड रख लिया, आपने बजरंग दल नाम रख लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि आप बजरंगबली के प्रति, हम तो ये हम उस संगठन के बारे में बातचीत कर रहे थे कि जो वैमनस्यता के आधार पर बात करते हैं, जो घृणा की बात पैदा करते हैं, जो अलगाववाद की बातें करते हैं, उसका हम लोगों के पास तो सारांश यही है कि अंततः जनता ने इन बातों को समझा है। और निश्चित मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने जा रही है, कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा, और मेरा ये भावनाओं का अतिरेक नहीं है, ना ही मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कांग्रेस 125 से ज्यादा सीट शाम तक 12-1 बजे तक क्लियर कर लेगी। अति आत्मविश्वास में नहीं है योगेश यादव जी, लेकिन भरोसा कर रहे हैं हम स्पष्ट तौर पे जनादेश हासिल कर लेंगे। मैं वापस आऊं डॉक्टर राकेश बाड़क जी, उससे पहले कोई अपडेट देना चाहता हूं। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं, अभी भी कांग्रेस की बढ़त बनी हुई है, पर इसके साथ में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हर चुनाव में अपने लिए जो हम कहानी पढ़ते हैं ना कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा हो जाता है, तो दो राजनीतिक दलों की लड़ाई में जनता दल समाजवादी देवगौड़ा की पार्टी वो अपना फायदा हमेशा ले जाती है। इस बार भी वो बड़े उम्मीद के साथ में है, जनता कहीं असमंजस में डाल दे और उनका काम बन जाए, पर गड़बड़ हो रही है। कुमार स्वामी जो इस गड़बड़ के बीच में अपने लिए मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सुरक्षित करना चाहते हैं, उनकी विधायकी के लाले पड़ गए, पीछे चल रहे हैं परंपरा का सीट से जिससे वो लगातार जीतते आ रहे थे। तो आपका इस संदर्भ में क्या मानना है? क्या जनता समझ रही है? क्या आप उम्मीद करते हैं कि कर्नाटक की जनता तय कर पाएगी एक तरफ जाना है?
उलझाकर लोगों के बीच में अपने को खुद को फुटबॉल नहीं बनाना है। क्या कहते हैं डॉक्टर अगर पड़ा? हिमांशु जी मैं आगे जाऊं इससे पहले मैं ये स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता जी कि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ग्राफ है जी। एक्चुअली हम लोग अभी तक जो पोस्टल बैलेट वगैरह पर चल रहे थे जी, ये ग्राफ अभी एकदम ताजा ग्राफ है जिसमें 25 सीटों पर कांग्रेस आगे है जी, 12 सीटों पर बीजेपी आगे है और जेडीएस 2 सीटों पर जी। कुल 39 सीटों का 224 में से अभी रुझान निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर यह है जी। मैंने आपको ग्राफ देखा तकनीकी जानकारी ली जी। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि कर्नाटक में त्रिकोणी मुकाबला दिखाई दे रहा था जी, लेकिन सचमुच में वैसा अगर ये रुझान ठीक चल रहे हैं तक आपकी जैसा आप बता रहे हैं वैसा चलता है, मुझे लगता है जनता आर पार का निर्णय लेने की स्थिति में है जी। गुजरात में भी त्रिकोणी मुकाबला था, वहां आम आदमी पार्टी ने अच्छी लड़ाई लड़ी थी और पर्याप्त, लेकिन कर्नाटक में जो जेडीएस सत्ता में रही, कुमारस्वामी मुख्यमंत्री रहे, उनके तथा प्रधानमंत्री रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उसका अपना एक जनाधार, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक की जनता को शायद ऐसा लगा हो कि जिसे जिसे भी जिताना है, मैं अभी यही कह रहा हूं, अगर वो बीजेपी को भी जिता रही तो भगवान की कृपा से वो 130-140 सीटें दे दे ताकि घुड़दौड़ ना हो, प्रयुक्त ना हो, तो शायद कर्नाटक की जनता ने यह सोचा हो कि जेडीएस को अगर हम 25 सीटें भी दे देंगे तो कोई कुछ होना जाना नहीं है जी। फिर वो खरीद फरोख शुरू होगी, फिर रिसोर्ट बुक किए जाएंगे, फिर हवाई जहाज खुलेंगे इधर से उधर, इससे बेहतर है जिस पार्टी को जिताना है उसको एक तरफा वोट दे दो और एक संतुलन बना के रखा जाए, एक सबल विपक्ष भी बना रहे जी। और मैं हमेशा ऐसा मानता हूं किसी भी राज्य में अगर दो दल भी हैं, तीन दल भी है, तो सत्ता और विपक्ष के बीच एक संतुलन होना चाहिए, विपक्ष भी ऐसा कमजोर ना हो कि गिनती की सीटें हों, जैसे दिल्ली में बीजेपी का नाम लेवा कोई नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक की जनता जो भी फैसला करने जा रही है वो ये इस असंतुलन त्रिशंकु वाली स्थिति से बचने की उसकी कोशिश है। मैं आपसे एक सवाल और लूं, उससे पहले एक और नतीजे आज आ रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक, और शायद उसमें योगेश जी की भी रुचि हो। उत्तर प्रदेश में जो देश का सबसे बड़ा राज्य है आबादी के लिहाज से, वहां पे नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, उनकी भी मतगणना का दौर चल रहा है, तो नगरीय निकाय के अंतर्गत कुछ रुझान हमारे पास है। 17 नगर निगमों के रुझान इस समय आए हुए हैं जिसमें लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या समेत 14 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वहीं मेरठ से समाजवादी पार्टी आगे है, कानपुर से कांग्रेस और सहारनपुर से बहुजन समाज पार्टी ने बढ़त बनाई है। दिलचस्प है, जनता ने हर एक हिस्से में कुछ कुछ दे दिया और भाजपा के हिस्से में जैसा कि विधानसभा के अंदर आंकड़ा है वैसा ही बहुत कुछ दिया हुआ है। और कांग्रेस भी खाली हाथ नहीं है, कानपुर में कांग्रेस को बढ़त है, समाजवादी पार्टी को मेरठ में बढ़त है और साथ ही साथ सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी को बढ़त बनी हुई है। लेकिन मैं वापस आता हूं डॉक्टर राकेश पाठक आपके पास में, और आपसे जानना ये चाहता हूं कि आपने निर्वाचन आयोग का एक आंकड़ा दिखाया, चैनल पर होड़ मची रहती है, अगर आप 224 सीटों पर आप 39 सीटों के रुझान के साथ में बात करोगे ना तो दर्शक जो है चैनल बदल देगा, सारे चैनल होड़ में, जो जानकारी मिले उसके आधार पर रुझान सेट कर दो, नहीं तो मल्टीपल करके दिखा दो, पर कुल मिला के दिखना ये चाहिए कि हमारे पास में पूरे प्रदेश की तस्वीर है। पर आपसे सवाल इस बात को लेकर है कि अगर कांग्रेस का जो रुझान आपने राज्य के संदर्भ में निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से दिखाया है तो दिख रहा है कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत, तो किसके खाते में? खड़गे जी के खाते में, राहुल गांधी के खाते में, प्रियंका जी ने भी बहुत मेहनत की उनके खाते में, या लगभग 4-5 साल बाद सोनिया गांधी को भी लगा कि प्रचार कर ही लें, वो भी एक सीट पर आ गए, तो किसके खाते में डालना चाहेंगे डॉक्टर राकेश पाठक आप इस जीत को? जी हिमांशु जी आपने होड़ की बात कही तो पहले तो मैं एक और स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। एक चैनल 132 सीटों पर कांग्रेस को बता रहा है जी, और अब इस वक्त जो मुख्यधारा के तथाकथित राष्ट्रीय चैनल है जो दिल्ली से चलते हैं जी, मेरे लिए तो INS नेशनल चैनल है जी, क्योंकि उसमें उसमें हिमांशु द्विवेदी जैसा निष्पक्ष और गरिमामय पत्रकार प्रधान संपादक है जी। तो मेरे लिए अभी चैनलों की होड़ का उतना वास्ता नहीं, मैं शुरू से कहता आया हूँ जी। फिर भी देखिए मैं आधिकारिक वेबसाइट इसलिए आपको दिखाई कि अगर उसको भी माने जी, तो मानसू जी दुगने से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस उतना आगे दिख रही है, 12 बीजेपी 25 कांग्रेस। अब आपके प्रश्न पर आते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कांग्रेस इस बार भाजपा की शैली में चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही थी जी, उसमें मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि शैली भाजपा ही थी, बस उसमें नफरत और झूठ माइनस था जी। नफरत और झूठ का जिम्मा तो बीजेपी के पास था और वो फैलाते रहे सारे लोग जी। कांग्रेस ने जिस तरह एक मेघ होकर ये चुनाव लड़ा, सचमुच में बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिला। अमूमन
कांग्रेस पार्टी में योगेश जी मगर आपके जिस जिस राज्य में अच्छे जनाधार है आपकी पार्टी संगठन है जी, वहां कम से कम 2 से 3 ऐसे नेता होते हैं जो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनने के योग्य होते हैं जी, और वे आपस में लड़ते लड़ते पार्टी का पलटा ठार कर ले। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने कई तरह के प्रयोग किए। मानसु जी एक बड़ा रोचक प्रयोग मैं आपके लाता हूं, आपके होगा संज्ञान में, दर्शक एक आपने यूट्यूब इंटरव्यू देखा होगा जिसमें डीके शिवकुमार सिद्धारमैया का इंटरव्यू लेते हैं जी, इंटरव्यू लेने का काम डॉक्टर मंजू तिवारी जो प्रश्न पाठक करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक प्रयोग किया। वो हमारे दो सबसे बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, कितना एक है और इंटरव्यू कहां से शुरू होता है, पूछ रहे आपके हाथ में वो सूजन आ गई, लचक हो गई थी, तो बता रहे आपने कहा कि हाँ अभी थोड़ी स्वेलिंग है और ये और वो, इतना सहज इंटरव्यू एक वो कांग्रेस ने प्रसारित किया सर हर प्लेटफॉर्म के जरिए। तो जो दो बड़े प्रादेशिक नेता थे उनकी एकता स्थापित करने का संदेश देने की कोशिश जी। अब आपने पूछा इसका श्रेय कैसे जाएगा जी, स्वाभाविक तौर पर इसका श्रेय राहुल गांधी को ही जाएगा कि क्यों, क्योंकि राहुल गांधी अब कांग्रेस के उस तरह के एक छत्र नेता है जिनके लिए मैं भारत जोड़ो यात्रा में आपके चैनल पर भी कह चुका था वे कांग्रेस के सरसंघ चालक जी। पार्टी के अध्यक्ष चूंकि खड़गे जी कर्नाटक के रहने वाले हैं तो उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी कि जिस राज्य के वे खुद रहने वाले हैं, 9 बार सांसद विधायक जाने कितनी बार सांसद, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने ही अगर राज्य में हार जाते तो तोहमत उनके सिर आती। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया, अगर आप इस पूरे समुच्चय को देखें तो ऐसा लगेगा इन्होंने एक पूरे तर्कश को बांध कर चले, जहां जिस तीर की जरूरत थी वो तीर चलाया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, बीजेपी तो चुनाव मशीनरी है, बेहद काबिल और बेहद संगठित दल है वो। उनका सबसे बड़ा ब्रांड ब्रांड मोदी वो दांव पर लगा हुआ था वहां। अंतर इतना है, अब श्रेय किसे दिया जाएगा हिमांशु जी, इसमें एक पूरक प्रश्न मैं आपसे ले लेता हूं जी, कि पूरे पूरे चुनाव अभियान में जेपी नड्डा साहब की फोटो लगी हुई थी सारे चैनलों पर जी, और अगर आज भी इस वक्त ट्रेंड बीजेपी के पक्ष में होते तो नड्डा जी की फोटो हटकर माननीय मोदी जी की फोटो लग चुकी होती अभी विंडोज में सारे चैनलों के जी। तो इससे भी स्पष्ट है कि हार की जिम्मेदारी जेपी नड्डा जी की, जीत जाते हैं तो अपराजय। पढ़ाई अपन चर्चा को आगे बढ़ाएं और मैं योगेश यादव जी के पास में जाऊं, उससे पहले ताजा तरीन रुझान जो तमाम चैनलों का रुझान है उसको मिलाकर हमने तैयार किया है, तो वो ये बता रहा है कि भाजपा बाजी हार रही है। आप इस आकलन पे भी जा सकते हैं कि भाजपा बाजी हार गई है, क्योंकि रुझान ये बता रहा है 224 सीटों में इस समय 167 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी महज 68 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जेडीएस मात्र 17 सीटों पर आगे है, अन्य 2 सीटों पर आगे है। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस लगभग दुगनी सीटों पर आगे पहुंच रही है। योगेश जी, ये रुझान है, आपका विश्वास अति आत्मविश्वास में भी अगर तब्दील हो जाए तो कोई ज्यादा ऐतराज नहीं होगा दर्शकों को, क्या कहते हैं? पहले ही कहा है कि मेरी भावनाओं का अतिरेक नहीं है, लेकिन एक ये शाश्वत सत्य है, ये कर्नाटका इलेक्शन होने के पहले से ही पूर्व संभावित था, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटका के जनता के जो बातचीत होती है कि बहुत सारी बात माउथ पब्लिसिटी पर, माउथ संप्रेषण पर भी निर्भर करती है, आप संप्रेषण करें। जब भी मैं कर्नाटका गया तो मैंने इस बात को महसूस किया कि वहां तो त्राही त्राही त्रस्त थे लोग, और उसके बाद जैसे आपने हमारी सोनिया जी का नाम लिया, राहुल जी का, प्रियंका जी, निश्चय ही ये मील का पत्थर साबित हुई है इनकी तपस्या, इनकी मेहनत। और मैं हमेशा कांग्रेस और गांधी परिवार को तपस्वी वीर कहता हूं कि एक तपस्वी की मानिंद उन्होंने अपने जीवन को अर्पित किया है। आज राहुल जी की पदयात्रा में छाले पड़े और कांग्रेस के लोगों ने, लेकिन हम उस संदेश को पहुंचाने में कामयाब हो गए जो संदेश हमें कर्नाटका की जनता तक पहुंचाना था। हमारा पदयात्रा का मूल उद्देश्य जो राहुल जी का, वो सिर्फ यह नहीं था कि हम वहां का चुनाव ही जीतना चाहते हैं, लेकिन चूंकि राजनीतिक संस्था है तो राजनीतिक संस्था के उद्देश्य तो निहित होते ही है, पाठक साहब भी इस बात से सहमत होंगे। मैं सिर्फ इतना जरूर जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस चुनाव को, जिस निष्कृष्टता के आधार पर, पाठक साहब मेरी बात को गौर करेंगे कि जिस निष्कृष्टता का, जो एक राजनीति का एक स्वाभिमान होना चाहिए, राजनीति की एक अस्मिता होना चाहिए, उसको खंडित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने येन केन प्रकारेण
किन किन बातों का दुरुपयोग किया, किन किन वक्तव्यों को प्रस्तुत किया, ये प्रजातंत्र के लिए, प्रजातंत्र की शुचिता के लिए एक अच्छी घटना नहीं थी। उसके बाद भी लगता है कि इस प्रहार के बाद शायद भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा विवेक जागृत होगा और वो भ्रम टूटेगा कि कांग्रेस समाप्त हो गई है, कांग्रेस में कोई नाम लेने वाला नहीं है, कांग्रेस के नेताओं में विवेक शून्यता है, राजनीतिक प्रखरता नहीं है, कांग्रेस के लोगों में नीतियां नहीं है, नियोजन नहीं है, राहुल जी को विस्मृत किया जाना, राहुल जी को ट्रैक से बाहर किया जाना है, या अप्रासंगिक कहा जाना कि राहुल जी तो अप्रासंगिक हो गए, सोनिया जी बीमार हो गई। किस तरीके से प्रचार, किस तरीके से व्यक्तिवादी प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने किया, मैं समझता हूं कि इन सभी बातों का प्रतिरोध और सभी बातों का जवाब इस इलेक्शन में दे दिया। और फिर मैं कह रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि 125 से ज्यादा सीटें कांग्रेस क्रॉस करेगी, 125 सीटें से ज्यादा क्रॉस करेगी। योगी जी हमारे साथ कह रहे हैं, हमारे साथ में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरजीत भगत जुड़ चुके हैं। अमरजीत जी, प्रारंभिक रुझान आ गए हैं और रुझान बता रहे हैं कि कर्नाटक में आप सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं बल्कि ठीक ठाक बहुमत के साथ बनाने जा रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया, लगातार हार के बाद जीत की खबरें। जाता हूं, आपने भाजपा पे तो कई प्रहार कर दिए, ऐसा भुनाने की कोशिश की, ये भुनाने की कोशिश की, और आपकी पार्टी ने जब रुझान दिखने लगे कि कांग्रेस बढ़त बना रही है, तो सोनिया गांधी जो कभी प्रचार के लिए नहीं निकल रही थी इतने सालों से, अचानक कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गई। इसको क्या कहेंगे, मौका मिलने पर हर कोई भुनाने की कोशिश करता है। जी योगी जी, देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सोनिया जी जो, मैं आप कहेंगे कि कांग्रेस का व्यक्ति है तो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या उनको संत का दर्जा नहीं मानूं कि आप उनको संत की परिधि के अंतर्गत रखते हैं? प्रधानमंत्री का जिन्होंने पद को त्याग किया, राजनीति उनके लिए दोयम बात रही है, राजनीति उनका लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य है भारत की जनता, प्रदेश की जनता सुखी रहे। आज सोनिया जी के बारे में यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रचार किया, कर्नाटका में प्रचार किया कि सोनिया जी अपने चुनाव को इससे दूर रखनी है, वो उनको हार नजर आ रही है, वो बीमार है। व्यक्तिगत रूप से सोनिया जी पर टिप्पणी की, वो मैं निश्चित मानता हूं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बाद भी, क्योंकि वो अंदर से लोह महिला है, शक्तिशाली महिला है, उन्होंने अपने आत्मविश्वास का परिचय देते हुए वो बीमार अवस्था में भी वहां पर पहुंची है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने राजनीति में ये सोचा होगा कि हम जीत रहे हैं तो चलिए जाकर वहां पर एक अपना उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। सोनिया जी का आत्मविश्वास, सोनिया जी का इस देश के प्रति, प्रदेश के प्रति यह रहा है, लगाव रहा है और एक तपस्या की मानिंद रहा है, एक उनका समर्पण रहा है कि नहीं, मैं जब तक मेरी आखिरी सांसें हैं, जब तक मेरा जीवन है, मैं इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए अर्पित करूंगी। यह भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं पर जवाब जो सोनिया जी पर लगातार टिप्पणी कर रहे थे कि सोनिया जी दूर क्यों, सोनिया जी आई, सोनिया जी ने सभाएं ली, प्रियंका जी ने सभाएं ली, ये गांधी परिवार की चैतन्यता है, गांधी परिवार का समर्पण है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि गांधी परिवार के बारे में टिप्पणी करने के पहले वो जान लेना चाहिए कि हम ना डरे थे अंग्रेजों से, ना हम डरेंगे आज के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। जो अंग्रेजों से जो गांधी परिवार नहीं डरा, जिनके डीएनए में स्वतंत्रता सेनानी, वीर सेनानियों का खून है, वो ना अंग्रेजों से डरा है, ना ही भारतीय जनता पार्टी से डरेंगे, डराने की कोशिश की। मैं तो बड़ा भावुक हो गया, आंख में आंसू ही आने लगे योगी जी आपके इस भावुकतापूर्ण वक्तव्य से, लेकिन मेरे इसके बावजूद भी दो सवाल हैं आपसे। ये कर्नाटक की जनता पसीजी क्यों नहीं संत सोनिया गांधी के प्रचार के बाद भी? वो जिस एक सीट पर प्रचार करने के लिए गई थी ना, जगदीश शेट्टार जी की सीट पर, उस पर पीछे चल रहे हैं वो, तो ये मेरा जानने का विषय है, ये संत की अपील क्यों नहीं भाई, एक सवाल तो ये। और दूसरा आपसे जानना चाहता हूँ कि इतने सारे कांग्रेसी, 224 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, तकरीबन 215 सीटें ऐसी थी जिस पर प्रमाणिक कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे, वो कार्यकर्ता जो सालों से भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं के लिए प्रचार करने का समय नहीं निकाला सोनिया गांधी ने? जो कल तक भाजपा के मंत्री बने हुए थे जगदीश शेट्टार जी, उनके प्रचार के लिए आई सोनिया गांधी। तो
थोड़ी सी टिप्पणी आपकी मिल जाए, एक उस सीट पर जनता पसीजी क्यों नहीं, और दूसरा उन्हें प्रचार करने के लिए जगदीश शेट्टारी मिले, कल के भाजपाई आज के कांग्रेसी, और जो पुराने कांग्रेसी थे उन्हें खारिज कर दिया। थोड़ी इस पर टिप्पणी कर दे तो मैं अमरजीत भगत जी के पास चलूं। नहीं, मैं टिप्पणी ये करना चाहता हूं कि वो एक सीट इस बात का प्रतीक बनी कि कर्नाटका के इलेक्शन में समग्र 224 सीटों पर यह संदेश गया कि सोनिया जी कर्नाटका में उपस्थित हुई, स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान ही रहना है। तो अमरजीत जी, खबर आ रही है कर्नाटक से, आपकी पार्टी जीत नहीं रही, ठीक से जीत रही है, पहली प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं कर्नाटक की जनता को प्रणाम करता हूँ, उनको बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कर्नाटक के इस परिणाम के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को एक संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का नाटक कर्नाटक के बाद बंद। जो इस देश में तानाशाही शासन चलाने का कोशिश हुआ, जो इस देश में बेरोजगारी महंगाई को चरम तक पहुंचाने का काम हुआ, इस देश में जो हमारे सूबे के प्रधानमंत्री ने जो लोगों से वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया, बल्कि देश त्राही माम कह रहा है और उनका सुनने वाला कोई नहीं है, जो इस देश को आज़ाद कराने वाली कांग्रेस पार्टी, उनके वंशज, उनके उत्तराधिकारियों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, ये यहाँ के जो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो समृद्धशाली संविधान मिली, संवैधानिक अधिकार मिला, उसको जो रौंदने का प्रयास हुआ, जिससे पूरा देश शर्मसार है, जिस संसद में सबको बोलने की अनुमति रहती है उसको छीनने का प्रयास किया, जो अगर बोल दिया तो मानो उसका आवाज़ को डिलीट कर दो, जो बोल दिया तो उसका पद समाप्त कर दो, जो अगर सरकार के खिलाफ बोल दिया तो सरकारी आवास खाली करा दो, जो इस देश में कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक सद्भावना के लिए यात्रा निकाला, मानो वो जुल्म कर दिया, तो इन तमाम सारी चीज़ों का एक तरह से जवाब होगा। और इसके लिए कर्नाटक की आपने तो बिल्कुल अलग ही दृष्टिकोण दे दिया कर्नाटक के रुझानों का। कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव था, आप तो समीक्षा ऐसी कर दी जैसे देश का आम चुनाव हो गया। बसवराज बोम्मई की सरकार के खिलाफ ये जनादेश नहीं है, आप हमें ये बता रहे हो कि ये जो जनादेश है ये नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ है, राहुल गांधी को दी गई प्रताड़ना आपके अनुसार उसके खिलाफ है। वाकई ऐसा है, कर्नाटक कोई विषय नहीं है। एक देश के एकदम देश के सूबे के प्रधानमंत्री जी, देश के सूबे के प्रधानमंत्री अपने पूरे मंत्रियों के साथ पूरे पूरे लवरेज हो करके जी, और लोगों को जो दबाने का डराने का कोशिश, टेरर पैदा करने का कोशिश हुआ, उस पर अंकुश है। देश में जो माहौल इन्होंने क्रिएट किया है उसके लिए एक जवाब है। तो आज अगर देश में कोई भी घटनाक्रम होता है तो देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। अगर देश की बड़ी संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं निजी हाथों में देने का काम चल रहा है, रोजगार का अवसर समाप्त हो रहा है, रेल को निजी हाथे, एयरपोर्ट को निजी हाथों में, समुद्री पोर्ट को निजी हाथों में, समुद्री पोर्ट में चाइना के लोगों को ला करके वहाँ पर तैनात किया गया है, वहाँ पर नशे का कारोबार है, इस बात का गुस्सा तो हर किसी में है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है अमरजीत जी, लेकिन मैं आपको एक रुझान और साझा कर देता हूँ, आप थोड़ा देर से जुड़े, वो क्या है, उत्तर प्रदेश में भी नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें भी वहीं की आती हैं, लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, वहां पे 17 नगर निगम चुनाव के रुझान आए हुए हैं, 17 में से 14 पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है, कांग्रेस को केवल एक नगर निगम में बढ़त मिल रही है, एक पर समाजवादी पार्टी को, एक पर बहुजन समाज पार्टी को। ये क्या है? ये भी नरेंद्र मोदी के प्रति ही नाराजगी है, यही राहुल गांधी के प्रति सहानुभूति है जैसे कर्नाटक में, थोड़ा इस पर भी आपकी टिप्पणी आ जाए ना, उत्तर प्रदेश के रुझान पर भी मत करिए। उसके एकदम नाराजगी नहीं, वहां तो अरे वो गुंडागर्दी वाले देश, वहां गुंडागर्दी है, वहां पर वो हो रहा है, उसके बारे में आप तो कर्नाटक के बात करिए महाराज, आप तो कर्नाटक के बारे में जुड़े हैं, कर्नाटक के बारे में बात, कहां यूपी पहुंच गया आप, नगर निगम और ये सब वगैरह।
अरिजीत जी वही गए, पूरे देश के जनता दर्शक रहे। तो मैं राकेश पाठक जी से पूछ रहा हूँ, डॉक्टर राकेश पाठक, अमरजीत भगत जी कह रहे हैं देखो उत्तर प्रदेश की बात मत करो यार, जो भी बात करनी है ना कर्नाटक की बात करो। क्या कहते हैं डॉक्टर राकेश पाठक, देश की भावनाओं की अभिव्यक्ति है कर्नाटक का रुझान, ऐसा मंत्री जी अमरजीत भगत हमें समझा रहे हैं। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? देखिए मैं अमरजीत जी की बात से आंशिक रूप से सहमत हूँ जी, इसलिए क्योंकि कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रयोगशाला का चुनाव जी। कर्नाटक में कौन सी कसर छोड़ रखी थी? पिछले 2-3 साल से हिजाब का मुद्दा उठाया हुआ था जी। प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस कर्नाटक को देश से अलग करने का षड्यंत्र रच रही है जी। मतलब मैं नहीं समझता कि देश का कोई प्रधानमंत्री इस स्तर की बात कर सकता है। ये हम और आपको भी चिंता करनी चाहिए जी। कि जिस कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर इनका विलय कराया, गोवा का विलय कराया, वो कांग्रेस को देश से अलग करेगी जी। तो मुझे लगता है ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड है, उनकी जो नीतियां है, उस पर एक संदेश तो है ही जी। हाँ, जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, हिमांशु जी, मैं बड़ा स्पष्ट पूछना चाहता हूँ कि अगर आज की तारीख में बीजेपी उत्तर प्रदेश में कर्नाटक में जीत रही होती जी, नहीं कर रहा होता जी। तीसरी बात, सोनिया गांधी जिस सीट पर गई वहां कांग्रेस का प्रत्याशी हार रहा है जी। युगावतार भगवान विष्णु के 11वें अवतार माननीय नरेंद्र मोदी जी जितनी सीटों पर गए थे वहां का हाल भी अगर INS बता दे तो हमारे दर्शक और हम सब लाभान्वित होंगे। क्योंकि लाभान्वित होने के लिए कोई आपको विषय आंकड़े की जरूरत थोड़ी है, भाजपा हार रही है और तसल्ली से हार रही है। तो वो तमाम सीटें जहां पे माननीय नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए गए थे वहां पर भी भाजपा ठीक से हार रही है। सोनिया गांधी जी के संदर्भ में जो सवाल था ना डॉक्टर राकेश पाठक जी, वो सवाल इस बात को लेकर था कि जिन सैकड़ों कांग्रेसी उम्मीदवारों ने भाजपा के खिलाफ वर्षों से लड़ाई लड़ी, उनका प्रचार करना छोड़, सोनिया गांधी को अगर प्रचार के लिए समय मिला तो उस व्यक्ति के लिए मिला जो कल तक भाजपाइयों के साथी था, कांग्रेसियों के खिलाफ फैसले लेने के संदर्भ में आरोपी था, 40% की सरकार का जिस पे आरोप था उसका एक किरदार था। इस पर सवाल था डॉक्टर राकेश पाठक, क्या आपको नहीं लगता है कि एक जायज सवाल है, एक वाजिब सवाल है? बिल्कुल बिल्कुल वाजिब सवाल है। और मैं भी ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस की भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को अकेले जगदीश शेट्टार की बजाय और कम से कम 1-2 सीटों पर प्रचार के लिए जाना चाहिए था। और मैं तो वैसे भी व्यक्तिगत रूप से, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या कोई भी हो, राजनीतिक दल बदल को विचारधाराओं के साथ विश्वासघात मानता हूं। मैं कभी भी नहीं मानता कि जो व्यक्ति एक विचारधारा में 50 साल रहा हो वो अचानक एक दिन दूसरी विचारधारा में जाकर उसके गुणगान करने लगे जी। तो मैं तो इस बात को कभी भी नहीं मानता। इसके बावजूद सोनिया गांधी जिस सीट पर गई हो, सीट अगर कांग्रेस हार रही है तो ये कांग्रेस को, योगेश जी को, अमरजीत भाई को, इनको सोचने की जरूरत है कि उनको कम से कम 1-2 और सीटों पर भी ले जाते एक दिन में। तो आज कम से कम ये तो नहीं उनको मुंह छुपाना पड़ता कि जिस सीट पर कांग्रेस सोनिया गांधी गई उस सीट पर कांग्रेस हार रही। तो कुल मिलाकर डॉक्टर राकेश पाठक आखिरकार मेरे साथ भी हो लिए, मान रहे हैं कि बात तो ठीक ही है। पर मैं अमरजीत भगत जी के पास एक बार फिर आना चाहता हूँ। अमरजीत, कर्नाटक का संदेश छत्तीसगढ़ के लिए ग्रहण करने को तो आप बहुत लालयत होंगे, क्या देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ की भी आबो हवा में बड़ी गर्मी है इन दिनों, कर्नाटक की जो बयार बही है छत्तीसगढ़ पर उसका क्या प्रभाव आएगा? देखिए मैं इसमें तो बाद में आऊंगा। आपने जो सोनिया जी के दौरे को लेकर के, प्रचार को लेकर के जो बात कही जी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं अपना दृष्टिकोण और अपनी बात रखना चाहूंगा। जरूर। कि सोनिया जी तबीयत खराब होने के बावजूद, बीमार होने के बावजूद कर्नाटक चुनाव में अपना योगदान दी, समय दी, उनके लिए बहुत साधुवाद, जितना वो उनका धन्यवाद ज्ञापित किया जाए कम है जी। और माने ये नहीं रखता कि कौन सा सीट में गए और कौन सा सीट में नहीं गए जी। और लेकिन परिणाम क्या आ रहा है, हमारा संदेश जी सबसे बड़ा होता है, संदेश जी। जहां जाने के बाद जो संदेश गया लोगों में और लोग उसको आत्मसात किए, और आज अगर उनकी बात को सुन करके कांग्रेस को हाथों हाथ लिए तो ये तो हमारे लिए बहुत सकारात्मक परिणाम रहा है, सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। और सोनिया जी को तो मैं बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। आपकी भावनाओं का सम्मान बहुत है, लेकिन तर्क के साथ में अभी बात बनी नहीं। लोगों ने संदेश को ग्रहण किया, उसके कारण से परिणाम आया। अरे जिस मिट्टी पर खड़े होकर उन्होंने संदेश दिया, जिस सीट पर
जाकर उन्होंने आह्वान किया, उस सीट के मतदाताओं ने तो सम्मान किया नहीं, अब बाकी सीटों के संदर्भ में उन्हें क्या योगदान बता रहे हैं। सही बात कह रहे हैं आप। देखिए आप महाराज, मेरे ख्याल से आप महाभारत पढ़, आप महाराज महाभारत पढ़ते होंगे जी, गीता पढ़ते होंगे, उसमें देखा होगा आपने, उसमें जो रणनीति रहता है, कई तरह की रणनीति काम करते हैं जी, और उसमें भगवान कृष्ण जिनको महाभारत के सबसे बड़े पात्र और हम नेता कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा जी, जिन्होंने महाभारत को उन्हीं के इशारे पे उन्हीं के अनुसार लड़ा गया और उसमें जीत हासिल हुई जी। मैं उसमें भी एक एक घटना है कि जहां पर भगवान कृष्ण रणछोड़ की भूमिका में आए थे जी, और थोड़े समय के लिए उन्होंने पैतरा बदला था जी, लेकिन उसमें मत जाइए, उनका परिणाम में जाइए कि इन तमाम के बावजूद भगवान कृष्ण ने जो है वो महाभारत में पांडवों को जीत दिलाई जी। मैं सोचता हूं कि सोनिया जी का जो रणनीति था वो कम नहीं था, वो कमतर, इसको आंख करके नहीं देखना चाहिए, हमको तो परिणाम से मतलब है, और परिणाम अगर सुखद है तो हर बात गौण है उसके सामने, परिणाम सुखद है तो सब कुछ गौण है। अमरजीत भगत जी बड़ी काम की बात कर रहे हैं, मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक बार योगेश यादव जी से आखिरी बात करना चाहता हूं। योगेश जी आपसे जानना ये चाहता हूं कि जिस रणनीति के तहत कर्नाटक में चुनाव हुआ, जिसका कुछ उल्लेख डॉक्टर राकेश पाठक कर रहे थे कि जिन लोगों को प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जाता था वो दोस्त के तौर पर प्रस्तुत करने में कामयाब रही कांग्रेस, कांग्रेस का तो सरदर्दी ये रहता है कि वहां पर भाजपा से बाद में लड़ते हैं, आपस में पहले लड़ते हैं, तो क्या उम्मीद करें? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कुछ सबक सीखेंगे? मध्य प्रदेश के संदर्भ में अरुण यादव, अजय सिंह, दो हारे हुए नेता, पर इसके बावजूद भी कमलनाथ को चुनौती देने के लिए लालायत दिखाई देते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव, ये केवल और केवल बंद कमरों की नहीं बल्कि खुले मैदान की कहानी के तौर पर दिखाई देती है। सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत, इसके लिए कोई बड़ी पड़ताल करने की जरूरत नहीं है, राह चलता हुआ आदमी भी इनकी लड़ाई को देख पाता है। क्या कर्नाटक का सबक लेंगे आपके नेता? ये सवाल जहन में आता है, आप इस पर टिप्पणी करें तो उसके बाद हम ब्रेक पर चलें। देखिए सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि कांग्रेस में अलगाववाद है या एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता है। यदि ये बात रहती तो कांग्रेस फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कैसे बनाती? मैं रुकूंगा योगेश जी, बड़ा आपने तो मेरे सवाल को सिरे से ही खारिज कर दिया। वो सचिन पायलट दो दिन पहले ही भाषण दे रहे थे, वो कि अशोक गहलोत के भाषण से तो ऐसा लगा कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे सिंधिया है। अब ये किस प्रेम के तहत है, ये किस सम्मान के तहत है, ये किस आत्मीयता के तहत है, थोड़ा समझाई दीजिए ना योगेश जी, हम ना समझ लोगों को। नहीं, मैं ना समझ नहीं मानता हूं, आप विद्वान है महाराज, आप हमसे ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन स्पष्ट रूप से ये बता दें कांग्रेस में जो आंतरिक लोकतंत्र है उसमें भावनाओं की और अपने शब्दों की स्पष्ट अभिव्यक्ति का जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है उसी का परिणाम है कि हम चाहे बात करें, मंच पर करें, दूसरे के बारे में कहें, लेकिन जिस समय कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस को मां की मानिंद स्वीकार करके एक छत्र होकर, एक साथ होकर हम जब मुकाबला करते हैं तो कर्नाटक जैसे परिणाम आते हैं। और मैं मंत्री जी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापस सरकार बनने जा रही है, मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, राजस्थान में सरकार बनेगी। इसका अर्थ ये नहीं कि आपने ये बता दिया कि साहब वहां पर सचिन पायलट लड़ रहे हैं या मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और अरुण यादव है। हम उसके बाद भी सामूहिकता का परिचय देते हैं छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल और हमारे बाबा साहब जुदेव जी आपस में, उनमें जो एक अंडरस्टैंडिंग इस बात की, एक परिवार में आपसी बातचीत होती है, आपसी विवाद होते हैं, लेकिन जब परिवार और घर की बात आती है, जब मां की बात आती है कि मां को कौन संभालेगा, तो सभी ये नेता इकट्ठे हो जाते हैं। कर्नाटका में भी यही कोशिश की गई, इसका विरोध, उसका विरोध, मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट किसको किया जाना चाहिए, इस बारे में विवाद, कितनी सारे भ्रम जाल पैदा किए। मैं INH को नहीं कहता हूं, आप एक स्पष्ट समाज समीक्षात्मक दृष्टिकोण से अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कुछ मीडिया का पूर्वाग्रह आपने देखा होगा कर्नाटका के मैसेज पर, पहला मैसेज यही था कि कांग्रेस में आंतरिक झगड़े हुए हैं। जब आंतरिक झगड़े थे तो ये परिणाम क्यों? इसका कारण सिर्फ यह है
कि कांग्रेस जब इकट्ठा होती है तो एक साथ इकट्ठा होती है, कितने भी भ्रम फैलाने की कोशिश की जाए। हमारे वहां वो डिक्टेटरशिप नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, जो अमित शाह जी ने कह दिया, उसके बाद आप सांस लेना भी भूल जाएं। ये सांस लेना भुला देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि साहब हमने कह दिया तो कह दिया, और इसी का कारण हो रहा है, ये इसी का परिणाम आ रहा है, और ये कर्नाटक का परिणाम इस देश के। तो योगेश जी कह रहे हैं ये इसी का परिणाम आ रहा है, और कांग्रेस में तो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के तहत ही अशोक गहलोत की अगर इज्जत चौराहे पर सचिन पायलट उतार दो, सचिन पायलट ही अशोक गहलोत की उतार दें, तो इसे लोकतंत्र की खूबसूरती के तौर पर देखिए पार्टी के अंदर के। ठीक है योगी जी, आपने समझाया, हम समझ गए। बहरहाल इतना तय है कि कांग्रेस एक संदेश दे पाने में कामयाब हो रही है कर्नाटक के संदर्भ में। इस संदेश के मायने क्या हैं, और भाजपा जो रातों रात येदियुरप्पा को बेदखल कर देती है, भाजपा जो बसवराज बोम्मई को मैदान में ला देती है, भाजपा जो जगदीश शेट्टार की उम्मीदवारी को खारिज कर देती है, क्या ऐसे फैसले तो इस कर्नाटक के परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप तीनों मेहमानों को धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे, वो ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कर्नाटक के जो नए अपडेट हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। जाइए करें, हम गए और आए।